हेलो एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो यार अभी रात को व्लॉग डाला है और अभी दूसरा व्लॉग आ रहा है। वो कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो लड़के की। तो यार अभी 2-3 दिन पहले तक मैं यही सोच रहा था कि सर्दियां नहीं आई, सर्दियां नहीं आई, सर्दियां नहीं आई, और सर्दियां वाकई में नहीं थी आई, क्योंकि लास्ट टाइम नवंबर में काफ़ी सर्दी थी। तो अभी कल से जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से काफ़ी सर्दी हो गई है। तो बस सर्दी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था यार। सो यार फाइनली सर्दियाँ आ गई हैं, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे बहुत इंतज़ार था सर्दियों का, आप लोगों को भी होगा यकीनन, क्योंकि मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रहा था कि इस दफ़ा इतनी सर्दी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सर्दी थी और अभी दिसंबर आ गया है और सर्दी का पता नहीं था कि सर्दी कहाँ रह गई है। तो अभी जो कल से हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से सर्दी काफ़ी हो गई है। नहीं तो लास्ट टाइम तो नवंबर में काफ़ी सर्दी थी, आई रिमेम्बर, तब तो स्मोग या धुंध जो भी था वो भी काफ़ी थी। वैसे मुझे धुंध बहुत पसंद है यार, आप लोगों को भी, कुछ को होगी कुछ को नहीं, क्योंकि धुंध थोड़ी डेंजरस है लोगों के लिए, थोड़ा सा मसला होता है उसमें ड्राइविंग वगैरह करने का, लोगों के काम रुक जाते हैं उसकी वजह से, लेकिन मैं वेला हूँ भाई, तो मुझे बहुत पसंद है। यार सर्दियों की एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह जो बेड टी मिल जाती है ना यार, वाह 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 वाह। और अब सीन ये है कि ये जो कपड़े यहाँ पे हैं ये सारे उठाने हैं, क्योंकि जब मैंने सोना होता है ये यहाँ पे होते हैं, और जब मैंने बैठना होता है तो मैं उठा के बेड पे रख देता हूँ। तो ये बस बेड से सोफे पे, सोफे से बेड पे, तो अभी इनको उठाना है, और उसके बाद ये सारा इतना गंद पड़ा हुआ है ये सारा यहाँ से उठाना। तो यार पहले फिर फ्रेश हो लिया जाए और उसके बाद फिर कुछ करते हैं, कमरा साफ और क्या करें। तो यार अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और भूख बहुत ज़्यादा लगी है, और अभी नाश्ते में काफ़ी टाइम है, क्योंकि मैं सुबह अभी ज़रा जल्दी उठ गया हूँ, तो अभी नाश्ता बनने में टाइम है, चाय पी ली है लेकिन भूख लगी हुई है। देखते हैं अगर कुछ खाने को पड़ा हुआ तो। चलो पूछने से बंदा कैसे हो सकता है कि एक तो अनार है और ऊपर से ठंडा और ऊपर से दाने निकले हुए, क्या कह रहे हो लड़के। ये रात का है, ये अभी सुबह का है, और ये अभी दोबारा से सुबह का है। कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने बाहर से, तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो ये आई फ्लैश ड्राइव की मैंने एप्लीकेशन डाउनलोडिंग में लगा दी है, और ये आई फ्लैश ड्राइव है, 64 GB ड्राइव है, और आईफोन के लिए है, ये सिर्फ आईफोन के लिए, एंड्रॉयड नहीं है इसमें। और ये एक पावर बैंक है सोलर पैनल वाला, 15,000 mAh का है ये, और ये एक एक्सटर्नल बैटरी केस है, 6800 mAh का है ये। और इसमें क्या है, टॉक टाइम अप टू 8 hours ऑन 3G, इंटरनेट यूज़ अप टू 7 hours ऑन 3G, और ऑडियो प्लेबैक है 44 hours का, और वीडियो प्लेबैक 11 hours का है, और रेड कलर में, रेड मैट रेड में, और बहुत ज़बरदस्त है, और चार्ज है भाई फुल, क्या बात है। और ये है विक्टोनी की वायरलेस डिस्प्ले डोंगल, और इसमें क्या है, ये डोंगल, और ये HDMI इसकी केबल है, और बॉक्स में क्या है, ये इसका यूज़र मैनुअल है, और इसकी एप्लीकेशन है क्रोम कास्ट, वो फ़ोन पर डाउनलोड करके आप कनेक्ट कर सकते हो LED वगैरह के साथ। ये इसका वाईफाई है,
और ये इसके कनेक्टर है उसके साथ, डोंगल के साथ, और ये इसमें लगेगा। इसको मैं बाद में ट्राई करूँगा। आई फ्लाई ड्राइव की अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हुई, लेकिन हम इसको लगा के देखते हैं। ये वैसे मैंने अपने 6S प्लस पे ट्राई की थी तो उस पर कनेक्ट नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि इस पर कनेक्ट करके देखते हैं अगर हो जाए तो। लेकिन इसका USB का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यार ये फ़ोन केस कितना क्यूट सा है ना, इतना फ्लफी सा है पीछे से। तो यार ये आई ईजी ड्राइव जो इसकी एप्लीकेशन है आई फ्लैश ड्राइव की, तो आवाम गालियाँ दे रही है उनको क्योंकि वो ऐप में इशू है। 1.0 जो इसका वर्जन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा USB को, और ये बिल्कुल ट्रैश है इस टाइम। फ्लैश ड्राइव तो धोखा देगी है, तो मैंने कहा कि मैं ये चार्जर भी चेक कर लूँ, एक्सटर्नल बैटरी केस है जो ये लग जाएगा यहाँ से ऐसे। हाँ ये ठीक है, ये सही काम कर रहा है, थैंक गॉड। तो अभी चाय के साथ साथ व्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं, और अभी फिर मैं इसको एडिट कर लूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Every time